ये तुम लोगों की ही हरकत है ना, मुझे सच सच बताओ वरना मैं मारूंगी। हाँ निताशा आंटी, ये हमने किया। How dare you? मेरा हाथ छोड़ो अक्षर। क्या हो गया तुम्हें नताशा? अरे बच्चों से कोई ऐसे पेश आता है क्या? ये बच्चे नहीं, दे आर डेविल्स, राक्षस हैं ये लोग। इन लोगों ने मेरे बाल और मेरे चेहरे की क्या हालत कर दी है। उन्हें डांटने और मारने की बजाय तुम मुझसे बहस कर रहे हो। मुझे नहीं पता था नताशा कि तुम इतनी इमैच्योर हो। बच्चों से कोई ऐसे चिढ़ता है क्या? पता नहीं क्यों लेकिन तुम मेरी फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। मैं तुम्हारी फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हूँ? माइंड इट अक्षर, तुम बच्चों का गलती में साथ दे रहे हो। क्या हुआ नताशा? क्या हुआ, क्या आप देख नहीं पा रही? आपके बच्चों ने, मासूम बच्चों ने मेरे बालों की और मेरी शक्ल की क्या हालत की है। भाभी, आप इन्हें पल्लू से बांधना बंद कीजिए। इनकी गलती में पर्दा मत डालिए। अब इन्हें बोर्डिंग भेज दीजिए। नताशा तुम थोड़ी तो मैनेज आ सके। नो अक्षर, आई मीन इट, यहाँ पे सबने उन्हें सर पे चढ़ा के रखा है। बोर्डिंग जाकर कुछ तो मैनेज सीख सके एटलीस्ट। क्या है ये सब, क्यों की तुम लोगों ने ये बदतमीजी? भाभी इन लोग, एक मिनट अक्षर, जवाब दो, ऐसे चुपचाप खड़े मत रहो। छोटी, क्योंकि माँ यहाँ पर चिल्लाई थी और हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा था, इसीलिए हमने ऐसा किया। छोटी, माँ ये बहुत बुरी है। छोटी, तुम लोगों को अभी इसी वक्त सबके सामने इनसे माफी मांगनी होगी। नहीं माँ, मुझे माफी नहीं मांगनी। देख लिया ना, मैंने क्या गलत कहा था? बदतमीज बच्चे। हाँ नताशा, तुम सही कह रही हो, शायद मैंने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है। मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को बोर्डिंग स्कूल भेजना ही ठीक रहेगा। देखो, अगर तुम लोग माफी नहीं मांगोगे तो मैं आइंदा तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, समझे? I'm sorry. मैं अपने बच्चों की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा कहीं वो सच तो नहीं? नहीं तन्नू, माँ ने जरूर वो गुस्से में ही कहा होगा। पर अनिल भैया, अगर ये नताशा आंटी माँ को हमारी कंप्लेन ऐसे ही करेगी और माँ उनकी बातों में आ जाएगी तो मैं बोर्डिंग स्कूल में नहीं रह पाऊंगा।
तो कौन तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज रहा है? चाची, वो नताशा आंटी कैसे माँ से हमारी शिकायत कर रही थी? तो उनके कहने से क्या होता है? देखो, तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ। दीदी ने जो भी कहा गुस्से में ही कहा होगा ना? चाची, घर में माँ और सारे जन्म से गुस्सा है। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। छोटी, जब तुम प्रेयर करके अपनी आंखें खोलोगे और तुम्हारे सामने जो भी आएगा वो तुम्हारा एंजल होगा। सच? बिल्कुल, सच्चे दिल से की हुई प्रेयर्स को भगवान जी जरूर सुनते हैं। चलो अब तुम लोग जल्दी से सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट चाची। ज्यादा ही सख्ती से पेश आई। मुझे उन्हें इतनी बुरी तरह से नहीं डांटना चाहिए था। अब कुछ भी करके उन्हें मनाना पड़ेगा। यही सही मौका है। ये गिफ्ट्स लो और जाकर बच्चों को दे दो। जी, आज माँ ना हमसे नाराज है। उन्हें मनाने के लिए ना आप एक एंजल भेज दीजिए। दीदी, दीदी एक मिनट है, आइए ना प्लीज। दीदी, ये कस्टर्ड टेस्ट करके बताइए ना कि ये ठीक बना है कि नहीं, बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं। कैसा बना है दीदी? अच्छा है। ठीक है, एंजल? एंजल? आप हमारी एंजल हो और आप हमारी मदद करने आए हो ना? Thank you, and I love you all. Okay, guys. मैं ना तुम तीनों के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। Wait. Champs, this is for you. Thank you, Chachu. Paita, this is for you. And my sweet girl, this is for you. Thank you, Chachu. वेलकम। चाचू, मैं आपसे कुछ मांगू? आप हमारी एंजल होने की वजह से क्या मुझे एक चीज दे सकते हैं? और वो क्या है? चाचू, मुझे स्केच चाहिए। That's it? इतनी छोटी सी बात? फाइडर, तुम्हें स्केट्स मिल जाएंगे। पर चाचू, माँ ने तन्नू को स्केटिंग करने से मना किया है। क्यों? क्योंकि तन्नू को धूल से अस्थमा अटैक आ जाता है। लेकिन माय डियर चैंप्स,
घर के अंदर स्केटिंग करने से ना तो धूल होगी और ना ही अस्थमा अटैक। सो फाइटर, तुम्हारे स्केट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, ओके? या! गिव मी अ फाइव। थैंक यू चाचू। ओके, अब तुम तीनों बच्चे मुझे एक बात बताओ, तुम तीनों अच्छे बच्चे हो ना? तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो इतनी रात तक नहीं जागते, जल्दी से सो जाते हैं, ओके? गुड नाइट चाचू। गुड नाइट। चलो 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 जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अक्षर, नताशा कहाँ है? पता नहीं भाभी, और मैं जानना भी नहीं चाहता। ऐसे नहीं कहते अक्षर, जाओ जाओ, जाकर नताशा को नाश्ते के लिए बुला कर लाओ। मैं नहीं जाऊंगा भाभी। ये क्या बचपना है, वो तुम्हारे भरोसे इतनी दूर यहाँ आई है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और जो कुछ भी हुआ है उसमें बच्चों की भी गलती थी ना। तुम नताशा से इस तरह अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकते। चलो अक्षर, नताशा के पास चलते हैं। भाभी। चलो। भाभी, प्लीज अक्षर, मुझे अकेला छोड़ दो। नताशा, ये नोकझोंक, ये झगड़े तो जिंदगी भर ही चलते रहते हैं। अगर तुम अक्षर से नाराज हो तो तुम सही भी हो। अगर तुम्हें अक्षर की कोई बात पसंद नहीं आई तो तुम उसे नाराज रहो, मगर नाराजगी के साथ साथ तुम उसे माफ भी तो करना सीखो। तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, एक दूसरे को इतना समझते हो, फिर इतना गुस्सा क्यों? देखो बेचारा तुम्हें कैसे मना रहा है। I'm sorry, Natasha. Please मुझे माफ कर दो। ठीक है, इट्स ओके। हुई है बात भाभी, ये जो कुछ भी हुआ आप इसे मेरी इनसिक्योरिटी ही समझेगा अक्षर को लेके। एक्चुअली भाभी, मैं अक्षर से इतने लंबे अरसे बाद मिल रही हूँ तो मेरा मन करता है कि वो दिन रात मेरे सामने रहे। भाभी, मैं डर रही हूँ बहुत, कहीं ये दूरियां हम दोनों के रिश्ते में दरार ना ले आए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड भाभी। मैं समझ रही हूँ, और इस मामले में मैं बहुत जल्द बुआ जी से बात भी करूंगी। तुम दोनों की शादी जितनी जल्दी करवा दे उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच।
नहीं अपरा, ये जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं। भले ही अक्षर और नताशा एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, लेकिन हम लोगों को, खास करके मुझे, उस लड़की ने बौखला दिया। वो लड़की मेरी समझ के बाहर है। बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। नताशा दिल की बुरी नहीं है। देखिएगा, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बुआ जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बार दोनों की शादी हो जाएगी, कंधों पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तो वो खुद ब खुद संभल जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि शादी के बाद ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है कि वो लड़की अचानक से संभल जाएगी। पूरे घर का तमाशा बना दिया है उसने। बुआ जी प्लीज, हर किसी को एक मौका तो देना चाहिए ना। और फिर कुछ भी हो, वो अभी तक इस घर में संकोच के साथ रह रही है। हाँ बुआ जी, एक बार दोनों की शादी हो जाएगी ना, देखेगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है तो फिर जल्द से जल्द रोका करवा दे और फिर धूमधाम से शादी। देखो, तुम लोगों को जो ठीक लगता है वो करो, मैं इस बीच नहीं पड़ने वाली। बुआ जी, ये भी कोई बात हुई? अगर आप ही मन मारेंगे तो फिर इस खुशी के मौके पर किसका दिल लगेगा? ठीक है, ठीक है बाबा, मुझे भी खुशी हुई। लेकिन हाँ, शादी का शुभ मुहूर्त पंडित जी से पूछकर ही निकलवा लेना। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अक्षर, भाभी क्या हुआ? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन बुआ जी नहीं मानी। हे भगवान, जरा देखो तो दोनों के चेहरे कैसे मुरझा गए। अरे बाबा, बुआ जी मान भी गई और इस खबर से बहुत खुश भी है। क्या सच भाभी? और हम लोग तुम दोनों का रोका बहुत जल्द करवाने वाले हैं। That's great. Thank you, भाभी। अब तो तुम खुश हो ना? अब जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों को यहाँ बुला लो। अब चलो, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलिए। मेरे प्यारे तन्मय के लिए एक गिफ्ट। उसके इस एंजल की तरफ से। अनन्या ने मुझे बताया था कि तनु को धूल से अस्थमा अटैक पड़ जाता है, इसलिए उसकी माँ उसे स्केटिंग नहीं करने देती। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना संध्या, मेरा यह दिल कितना कोमल है। उस बच्चे का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर एकदम से पिघल गया। तो आज तनु जी भर के स्केटिंग करेगा। तुम्हें मालूम है ना रोके के वक्त तुम्हें क्या करना है? अच्छी तरह मालूम। बेचारा तनु।